नमस्कार, आप अपना पंजे देख रहे हैं विराट का बहेली बुलेटिन सोनू के साथ। विश्व आयुर्वेद परिषद रीवा द्वारा गायत्री मंदिर में चरक जयंती मनाई गई। चरक जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर की आयोजन की गह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर एल एम कुशवाहा और डॉक्टर दिनेश कुमार पाठक रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव डॉक्टर एस एन तिवारी करें। कार्यक्रम के दौरान जिला सचिव उपदेश पंसारी और धर्म जागरण से रामसिया पांडे, डॉक्टर शिखा माकड़े, गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक हेमराज शर्मा और अन्य आचार्य उपस्थित रहे। यूनियन बैंक के महाप्रबंधक आर एल मीणा के द्विदिवसीय दौरा संपन्न होगा। महाप्रबंधक के होटल लैंडमार्क रीवा में सगले 80 शाखा के शाखा प्रबंधक द्वारा स्वागत किएगा। इन दौरान एक बैठक के आयोजन कई के कार्य की समीक्षा की गई है। महाप्रबंधक के द्वारा नारी शक्ति योजना के तहत कर्जा दिन गह आई अपना का सुनाई थे महाप्रबंधक का कहीं। कुछ ऐसे हमारे अपने प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको बताया है, मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। खास करके यूनियन नारी शक्ति जो आज की तारीख में आप जानते हैं इस देश के लिए, आज हमारा देश के जो राष्ट्रपति है जो चुने हैं वो भी महिला है, तो कहीं ना कहीं संस्थीकरण के रूप में नारी शक्ति को काफी आगे लाने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है। उसी प्रयासरत के हिसाब से यूनियन बैंक ने भी अपना एक प्रोजेक्ट जारी किया है जिसमें से हम लोग 2 लाख से 10 करोड़ तक का लोन भी देते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उसका बेनिफिट उठाया जाए और उसमें करीब 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एडिशनल बेनिफिट देते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज में भी हम बेनिफिट देते हैं और उसका जो प्रोडक्ट है बहुत ईजी है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप लोग उसका बेनिफिट उठाएं। मेरी जो ब्रांचेज है पास में या जो मेरे मार्केटिंग की जो टीम है वो जरूर इस बारे में आपको डिटेल बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला द्वारा जमीन में बलपूर्वक कब्जा करे के पीड़ित कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा आरोप लगाई हवा। मामला सिरमौर थाना क्षेत्र में आबे वाले उमरी गांव के है, जहां पीड़ित के 7 एकड़ जमीन में कांग्रेसी नेता बलपूर्वक अवैध कब्जा कर के उहन घर रोड के साथ धर्म कांटा खोल दी हवा। अब पीड़ित अपन जमीन खाली करवावे खातिर दर दर भटक रहा है। नाम कमलेश्वर प्रसाद मिश्र है, गांव का नाम उमरी है, टोला नादा है। मैं जो है तो यहां नादा का मूल निवासी हूं। वैसे तो बंबई में रहता हूं पर यहां भी मेरा मकान हो गया है तो मैं जमीन लिया था यहां। करीब जो है तो 7 एकड़ जमीन खरीदा था। तमाम मेरा जो है तो वहाँ जोते बोते थे और जो है तो जोत बो कर के खेती करते थे। इसके बाद जो है तो श्री त्रिवी नारायण उर्फ भगत शुक्ला ने जमीन खरीद कहीं बाहर 500 मीटर पूर्व स्थित जमीन खरीदे। अब इसके बाद जो है तो जमीन को बोलते हैं कि हमारी जमीन है, हम जबरदस्ती करते हैं, मारने को दौड़ते हैं, जो है तो अपशब्द बोलते हैं। हमारा जो है तो बाउंड्री गिरा दिए, जो है तो हमारा जो है तो हमारे जमीन में कांटा बनवा लिए। वो रास्ता नहीं था तो रास्ता बना लिए अपने गोदाम के लिए। अब जो है तो दुनिया भर का बवंडर बताते हैं, हमारा बोर बनवाए थे तो बोर जो भी कब्जा कर लिए, उसमें मोटर डाला था पता नहीं कौन निकाल ले गया। जो है तो परेशान करते हैं आए दिन, जो है तो गाली गलौज मार, वो उधर जाने नहीं देते किसी पे। इसका कुछ केस वगैरह भी चल रहा था कहीं पे? इसका केस चल रहा था सिरमौर में, तहसीलदार का फैसला मेरे पक्ष में है, जो है तो न्यायालय का फैसला, मेरे को स्टे मिला हुआ है जमीन का। जबरदस्ती करते हैं, मकान स्टे में बना दिए हैं, सुनते ही नहीं किसी का। ये तो माफिया गिरी जैसा बात करते हैं। ये क्या है ये जमीन में क्या निर्माण किए हैं, अभी क्या बनवाए? जमीन में गोदाम के कांटा बनवाए हैं, कांटा के बगल में जो है तो मकान बनवा दिए हैं, वहीं पे कर्मचारी लगा दिए हैं। रोज किसी का सुनता ही नहीं ये आदमी, इतना माफिया है। अपने आप को बोलते हैं मैं रीवा का मुख्यमंत्री हूँ, अब क्या कहे कि मुख्यमंत्री है कि आम आदमी हमारे जैसा है, समझ में नहीं आता। प्रेमी के साथ मिल के पत्नी अपने पति के हत्या के साजिश रची रही। बतावा जाता है कि शराब में जहर मिलाई ये घटना का अंजाम दे रही, अब दोनों जेल चले गए हमा। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अजगरहा गांव के है, जहां राजू साकेत नाम के युवक के 12 अगस्त 2021 का मौत हो गई रही। परिजन हत्या के संदेह जताइन तब पुलिस सब के पोस्टमार्टम कराई के विसरा जांच खातिर सागर भिजवाए रहे। वही रिपोर्ट के मिलाई से शराब में जहर हो के जानकारी सामने आई है। आई अपना का सुनाई थे पूरी घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का कहिन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र ने एक ब्लाइंड मर्डर को ओपन किया है और गत वर्ष ये घटना हुई थी जब एक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात मर्ग कायम किया गया था
और विभिन्न एंगल से उसकी जांच की जा रही थी। पिछले महीने जब रिपोर्ट्स प्राप्त हुई कि उसके भोजन में जहर देके उसको मारने की आशंका उसमें प्रकट की गई, उसके बाद साइबर सेल ने भी अपना होमवर्क किया, थाने की टीम लगी और इन लोगों ने बहुत शीघ्रता दिखाते हुए दो लोगों को अरेस्ट भी किया है। मृतक की पत्नी ने पूरा घटनाक्रम जो बताया है, उसने अपने जिस व्यक्ति के साथ उनके संबंध थे उनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, इस प्रकार के उन्होंने घटनाक्रम पूरा बताया। उसको देखते हुए उनको अरेस्ट किया गया है दो लोगों को, और चूँकि टीम ने बहुत तत्परता दिखाई रिपोर्ट्स प्राप्त होने के पश्चात और तत्काल FIR पंजीबद्ध करके आरोपियों को राउंडअप किया, तो उस टीम को हम लोगों ने 5,000 रुपये कैश रिवार्ड देने का घोषणा भी किया है। सर, ये इन दोनों शादी भी किए क्या बाद में? जब विवेचना हमारी चल रही थी उस दौरान कुछ शक के बिंदु जो जन्मे थे, वो ये भी एक बिंदु निकल के आया था कि महिला ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति से विवाह किया है। वो विवाह के पश्चात उनके घर वालों ने हमको बताया कि इसमें कुछ व्यक्ति के ऊपर संदेह हमको है, तो उस पर वॉच लगातार हम रख रहे थे, जिसको आखिरी में जब रिपोर्ट प्राप्त हुई और पूछताछ दोबारा की गई तब ये बात क्लियर हुई, तो हम लोगों ने उसको तत्काल अरेस्ट कर लिया। बात करें थे रीवा जिला के, जहां तहसील जवा थाना डभौरा के रहने वाली बेबा अनीता गुप्ता के द्वारा कमिश्नर संभाग रीवा अनिल सुचारी का आमरण अनशन के ज्ञापन सौंपिन हमा। महिला बताएं के पटवारी हल्का डभौरा जितेन दाहिया के द्वारा महिला के जमीन मा कीन के अतिक्रमण के जांच प्रतिवेदन दे खाते पहले 5,000 लिए रहे और अब 10,000 और मांगा थमा। वहीं महिला द्वारा रिश्वतखोर पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही के मांग करी नमा। कमिश्नर अनीता गुप्ता का तुरंत कार्यवाही करे के आश्वासन दी नमा। आपका नाम? अनीता गुप्ता। कहाँ से आई हैं? डभौरा। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारा घर जेठ हमारा कब्जा कर लिया 20 साल से, मांगते हैं तो बहुत परेशान नहीं दे रहा है, और पटवारी के लगे जाते हैं तो 10,000 रुपया मांगता है, 5,000 दे चुके हैं, आजकल करता है सुनता नहीं है। तो किससे मिलने आई थी? हम यहाँ कमिश्नर साहब मिले आपसे? हाँ मिले। क्या बोले कमिश्नर साहब? बोले कि हम अभी देख के तुम्हारा काम करते हैं। आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते कि हमारा काम हो जाए, नहीं होगा तो हम यहीं अनशन बैठेंगे। आप अनशन बैठेंगी? हाँ। आपका तहसील कौन है? तहसील हमारा जबा, जिला रीवा। हाँ जिला रीवा। रिटायर्ड सेना के जवान के साथ उनके सैलून में घुस के मारपीट करे वाले अपराधी के एक ठे और वीडियो वायरल भाव है, जेमा आरोपी पुलिस के सामने गाली गलौच और धमकी दे दिखाई रहा है। मामला अमहिया थाना क्षेत्र के सैलून किया, जहां दिनेश मिश्रा नाम के संचालक के साथ भाजपा नेता ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू और अनुराग मिश्रा मारपीट और तोड़फोड़ करे रहे। आरोपी जब मारपीट करत रहे तब पुलिस का सूचना दीन गए और पुलिस पहुंची पे गिरफ्तार करे के बजाय उनका भगाए के मौका दे दिए। मामला सामने आए के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह आरोपी का दीनदयाल युवा मोर्चा के पद से हटाए दिन हमा और प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दिन हमा। आई अपना का दिखाई थे कौन मेयर के पुलिस के सामने आरोपी धमकी दे दिखात लाग हमा और पुलिस उनका जाए के मौका देत लागी। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।